बरगोहाना से, जहां सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। दो ऑटो में आमने सामने टक्कर हुई, एक दर्जन से के करीब लोग घायल हुए। सीसीटीवी में ये पूरा जो हादसा है वो कैद हो गया है। बड़ी खबर गोहाना से, जहां दो ऑटो आमने सामने, दो ऑटो की टक्कर हुई और इन ऑटो में बैठे हुए तकरीबन एक दर्जन के करीब लोग घायल हो गए हैं। और सड़क हादसे का ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। ये वो देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब दो ऑटो किस तरीके से एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और उसके बाद इस सड़क हादसे में तकरीबन एक दर्जन के करीब लोग घायल होते हैं। ये देखिए, तो ये वो हादसा है, सड़क हादसा, बहुत ही भयानक सड़क हादसा गोहाना में हुआ है। अचानक से ये देखिए, एक तेज रफ्तार ऑटो किस तरीके से आकर एक दूसरे ऑटो से भिड़ जाता है और उसके बाद ये पूरा हादसा और उसमें तकरीबन एक दर्जन लोग घायल हो जाते हैं। सुनील जिंदल इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सुनील, तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना भयावह था, कितने भयंकर तरीके से यह हादसा हुआ है जिसमें एक दर्जन के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों की स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें गोहाना सोनीपत रोड का ये पूरा मामला है जहाँ दो ऑटो की आमने सामने की टक्कर हुई है। टक्कर की वजह जो है कार की बताई जा रही है, क्योंकि कार चालक की जो गलती की वजह से जो है ऑटो चालक की जो है वो टक्कर हो गई है, जिसके चलते जो ऑटो में सवार थे, दोनों ऑटो में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें चार जो मेडिकल की छात्राएं भी शामिल थी, सभी को जो है सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल कुछ लोगों को छुट्टी दे दी गई है जिनकी हालत ठीक थी और कुछ का अभी इलाज चल रहा है। देखिए पूरा जो मामला है वो जो है वहाँ एक लगे सीसीटीवी, दुकान पर लगे सीसीटीवी में पूरा रिकॉर्ड हो गया। जबरदस्त तक की जबरदस्ती थी, दोनों जो ऑटो थी उसमें बैठी सवारी एकदम जो है सड़क के नीचे जा पड़ी है, जिसमें करीब 12 लोग घायल हुए हैं। पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है, घायलों का इलाज जो है सोनीपत के नागरिक अस्पताल में करवाया जा रहा है। हालांकि इसमें जो है अभी कुछ लोगों की छुट्टी जो है, जो घायल हुए थे उनकी छुट्टी दे दी गई है और कुछ का इलाज जो है अभी जो है चल रहा है, लेकिन उनकी स्थिति जो है ठीक बताई जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन जो ये जो भिड़ंत हुई है और जिस ये जो दूसरा ऑटो है जो एक रॉन्ग साइड से आकर ऑटो को टक्कर मार देता है और आमने सामने की भिड़ंत होती है, ये जो ड्राइवर हैं इन दोनों ऑटो के, उनकी स्थिति कैसी है, क्या वो भी घायल हुए हैं? बिल्कुल, देखिए जो ऑटो चालक ने टक्कर मारी उसका नाम सुरेश है और वो सोनीपत का ही रहने वाला है। उससे हमने बात की थी, उनका साफ कहना था कि सामने से एक कार आ रही थी जिसकी वजह उसने जो है रॉन्ग साइड से लिया हुआ था, ऑटो की स्पीड कंट्रोल ना होने की वजह से जो है उसका ऑटो दूसरी लाइन में जा घुसा और जिसके चलते ये हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए अभी दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है, लेकिन उसमें जो है ऑटो चालक भी घायल हुआ है, इसके अलावा जो है चार मेडिकल की छात्राएं के साथ साथ जो है ऑटो में सवार करीब एक दर्जन भर लोग घायल हुए हैं, लेकिन उसमें से सात करीब 6 से 7 लोगों की जो है इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। इसमें जो ऑटो चालक है सुरेश, उसका अभी इलाज चल रहा है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए जांच कर रहे सतीश कुमार, उनका साफ कहना है कि जिस भी आधार से शिकायत उनको मिलेगी उस आधार पे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिन जो जिनका इलाज मेडिकल में चल रहा है उन सभी की हालत ठीक बताई जा रही है, अभी तक उनके पास किसी तरह की शिकायत नहीं आई है। हालांकि जो हादसे की सीसीटीवी है, फुटेज है, उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच पुलिस द्वारा भी की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बहुत ही भयानक सड़क हादसा है जिसमें तकरीबन एक दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं।